पेन नहीं लाती थी, एक पेन होता था जो भी वो इंक फ्लोट होती थी उस पेन से, इसे हम वो पेन दे। हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड होप यू ऑल आर हैप्पी हेल्थी एंड सेफ। भाई मेरे को तो कैमरा पकड़ने में भी अजीब सा लग रहा है क्योंकि इतने टाइम बाद मैंने कैमरा हाथ में लिया है, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ यार सच में। तो मैं बताती हूँ आज का क्या सीन है। आज मैं अपने कॉलेज आई हुई हूँ और आज ना हमारे सीनियर्स का फेयरवेल है, तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे उनसे मिलने आना था। ठीक है, हाय ब्रो, इनसे मिलो, ये हमारी क्लास के सीआर, यू नो सीआर, सीआर है हमारे। जा रही है। अरे हाय, हेलो तो कर ले। हाय गाइस, थोड़ी एनर्जी के साथ यार, फर्स्ट टाइम आई है, डांस करना है। हाँ, ये लोग आज डांस करने वाले हैं। ऐसे लग रहे हैं। ओके, हम मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो मैं अपने सीनियर से मिलने आई हूँ। और हाँ, ज़्यादा सीनियर्स नहीं है मेरे, अच्छे वाले से सिर्फ दो ही है, दो तीन हैं, तो मैं उनसे मिलूँगी। तो अभी वो लोग नहीं आए, मैं पहले आ गई हूँ, जब वो आएंगे उनसे मिलेंगे, उनसे एक दो क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए इसको बंद करते हैं, इस वाली क्लिप को बंद करते हैं। सो जब वो आएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक मैं आपको अपनी स्कूल फ्रेंड से मिलाती हूँ। से हाय। हाय, ईयरफोन्स निकालो बेटा। ठीक है, मैंने इसको बोला कि ना मेरे इसमें कॉलेज में ना फेयरवेल है, चल चलते हैं। भाई मुंह उठा के आ गई। भाई सच में पहले तो बहुत नखरे करी थी, नहीं यार मेरे को ना काम है, मैं नहीं आ सकती। और सीरियसली मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था इस लड़की पे, मुझे सच में काम था। और अभी भी मैं इसको बोलूं भाई जल्दी चल ले प्लीज, घंटा काम था यार। एक बार बताओ, जो प्लान बनता है तब इनको काम आता है, पहले काम नहीं आता इनको। घंटा ना तुम्हें काम होता है, दिमाग में बहुत सारे काम होते हैं, घंटा बजाने के लिए कोई नहीं होता। ये क्या बात हुई, मैं आ जाती हूँ, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाती हूँ। हाँ, कल मैंने बोला था चलो हम घूमने चलते हैं, बोले कि मेरे कल कॉलेज है यार, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो ये तो था, मेरा तो कॉलेज था ना, मेरा कहीं और का प्लान था। अजय कि चलो ठीक है, अरे यार बस बस, इतना ज्यादा नहीं बोलना है, जस्ट इग्नोर इग्नोर, ऐसे लोगों को बस इग्नोर किया जाता है। गाइस जो व्लॉग बना रहे हैं उसे इग्नोर किया करो, जो व्लॉग में आते हैं। अगर एक बार बताओ, अगर तुम मेरे को इग्नोर करोगे तो किसको देखोगे आगे, वीडियो में तो पूरी मैं ही हूँ ना, तो फिर तुम्हें तो देखना पड़ेगा, मेरे को इग्नोर कर ही नहीं सकते। है हम लोग 9 के साथ है, जानते भी नहीं थे, ये मेरे से फ्लूड मांगती थी हमेशा, ये चीजें बताने की नहीं होती है यार, बताने की होती है, पता होना चाहिए ना यूं कि ब्लॉग जो बना रहा है वो उसकी हैबिट क्या थी। पेन नहीं लाती थी, एक पेन होता था जो भी वो इंक फ्लोट होती थी उस पेन से, इसे हम वो पेन दे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगले साल इसका भी फेयरवेल है। यार मेरे को भी आने दियो अपने फेयरवेल में, तो जुगाड़ करा दूंगी, इनका खुद का जुगाड़ हो जाए कॉलेज में आने के, हमारे जुगाड़। नहीं यार, हमारे पास आई कार्ड है, हम आ सकते हो बेटा। मैंने तुम्हारी एंट्री कराई है, ठीक है ना, मैंने ही तुम्हारी मेरी एंट्री कराई है। हाँ, मेरा आई कार्ड, मैंने अपनी फोटो भेज दी थी आई कार्ड की, तो वैसे उन्होंने चेक नहीं किया। तो ये जो हमारे ये जो सीक्रेट प्लान्स होते हैं, इसको प्लान्स ही रखना, कहीं बताने की जरूरत नहीं। सीक्रेट यू नो, कहीं इसको जो बाहर मिली थी ना हमें गेट पे, मैं नहीं जानती सर हू द हेल आर यू। मैं ना आपको ना अपने क्लासमेट से मिलवाती हूँ, वो आज डांस परफॉर्मेंस होती है, तो उनसे गाइस हेलो कर दो। हेलो, वो भी है बेटा, इधर आ जा। हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय हाय, ये YouTube पे मिलेगा सारा। हां सब मिलेगा, सब मिलेगा। गाइस ये देखो, स्ट्रिक्टली मना होता है कि फूल तोड़ना, बट ये लड़की देखो फूल फूल तोड़े जा रही है, ये पता नहीं इसे क्या ही करना है इतने फूलों का। यार इसको शर्म नहीं है, मेरी फ्रेंड को शर्म नहीं है, इसको मेरे कॉलेज में आके भी भूख लगी। मैंने मुंह तक नहीं खाए हैं, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम्हारा जब कॉल आया था, ये जैसे कि रेडी हो जाओ, तुमको जल्दी तैयार होना चाहिए था। इन्होंने मुझे इसने मुझे बोला था कि रेडी हो जाओ, समझ नहीं आता लौट फिर के सारी गलती मेरे पे कैसे आ जाती है। तुम गलती करने के लिए पैदा हुई हो। अच्छा चलो भाई, अभी हम लोग ना कैंटीन जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ ठूस के आएंगे, कल दिखा दो थोड़ा। भाई कैसा है बता, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना खाना उठाकर कैंटीन के बाहर वाले एरिया में आकर बैठ गए थे, और खाना खाते टाइम चुप बैठे ऐसा हो नहीं सकता, और तब जब फ्रेंड साथ में हो, तो यहाँ पर हम बैठकर अपने स्कूल की यादें ताज़ा कर रहे थे। ओ, तेरा खाना टैंक नंबर 4 जाती कि नहीं है तू? मेरा नहीं था, मैं कहा तो मेरा था। You know, we don't have time. We don't have time for this stupid thing. हमारे पास time नहीं है। अपनी school का farewell attend करने बहुत बड़ी बात है। यार। उसमें भी हमारे seniors ने वो दिन भी क्या दिन थे। हमें हमारे seniors ने बोला था कि please तुम लोग आ जाना, एक performance देना। भाई performance नहीं होगी हमसे। अच्छा चल, अब बकवास मत कर। और मैं पूछ रही हूँ कि college कैसा लगा हमारा? बता।
यार ऐसा नहीं है, आज तेरा लक खराब था, तू आई ना इसलिए वो ढंग का नहीं था, वरना हम लोग ठीक है। तो अब की बार जो भी बनेगा, जब स्पेशल बनेगा ना, मेन्यू रखवा दो कैंटीन वाले, उसी दिन मैं आऊंगी। गाइस ये कॉलेज ना मुझे भी अलॉट हुआ था, क्योंकि आई एम जस्ट अ ड्यू सोल के स्टूडेंट थी। बट जब मेरे उसमें कॉलेज आया था, आज तक मैंने अपने कॉलेज का नाम नहीं सुना, बट मेरे को ये लिस्ट में मेरे पास ये आया था कि SPM आपको मिलेगा। और अभी जो मेरा कॉलेज है वो है, कौन सा कॉलेज है मेरा, वाओ मेरे से पूछ रही है, मेरे राव अंबेडकर कॉलेज में शक्ल नहीं देखी है, पर देख रहे हो मतलब इसको अपने कॉलेज का नाम तक नहीं पता, और मेरे से पूछ रहे भाई कौन सा कॉलेज। गाइस नाम पता है बट मैं आज तक गई नहीं हूँ, वो बात है। गाइस तो मेरे को जिन सीनियर से मिलना था मैं आपको मिलवाती हूँ। ये दी याशिका दी एंड स्वाति दी, हाय दी, हाय, मैं याशिका ही स्वाति हूँ। और दी आप जा रहे हो, आप लोग मेरे को याद करोगे, आपको करेंगे सच में। हाँ सही है, एक दो सीन आपको जूनियर हमारे अच्छे हैं, बाकी सब खराब है ना। सब्सक्राइब, वाओ हाँ भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैं ना आपसे कुछ पूछती हूँ, ठीक है, तो आप हमें कुछ टिप्स दे दो, क्योंकि अब हम जूनियर से सीनियर आ रहे हैं, हम थोड़े प्रमोट हो गए ना, तो थोड़ी टिप्स दे दो। टिप्स हाँ, टिप तो हमको हमारा ऑनलाइन सलाह, ये दुख का खत्म नहीं होता बे, बस ये है कि पूरा इंजॉय करो, एक्सप्लोर करो, पढ़ाई पर मत रहना, सारी चीज इंजॉय करना, मतलब बाद में जाके तुमको लगेगा कि स्कूल का हम खराबी करा थे। हाँ एक्सप्लोर कैसे, मतलब एक्सप्लोर दूसरे कॉलेज के फेस्ट में जाओ, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, मतलब पूरी पर्सनालिटी डेवलप करो, ये ठीक है, समझ में आ गया। ओके और दी आप भी बताओ यार, आप भी टिप्स तो कोई कि घूमते रहो और घूमते रहो, नहीं लेते हैं क्लास बंक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फ्रेंड भी होने चाहिए, बना लेंगे। भाई सुन इधर आ, इधर आ, बिना 300 रुपए देखे मैं ऑडियो में बैठी हूँ, देख रही है, और तुमने क्या कर लिया, तुमने 300 रुपए दे दिए, क्या कर लिया भाई सच में, बिना 300 रुपए दिए हम यहाँ पे खाना भी मिलेगा, देखो हमने खाने का भी जुगाड़ कर दिया, इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। देख तुम पागल बन गए, तुम फुद्दू बने हो, हम बहुत गंदे वाले। मेरे वन ऑफ द बेस्ट सीनियर्स में से एक सीनियर को मिलाती हूँ, जिनसे कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत कुछ सीखा। ओके सो ये है मन्नू दी, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है दी, मैं आपसे ना वैसे आज आपका फेयरवेल है, ठीक है, तो पहले भी ये बता दो आपको फीलिंग कैसी हो रही है। इमोशनल, नॉस्टैल्जिक, बहुत याद आएगी सबकी, एंड बहुत प्यारे हो तुम लोग, तुम सबकी बहुत याद आएगी, स्पेशली सिमरन की। थैंक यू सबसे okay. पहले तो आई नो बहुत गंदा क्वेश्चन है, बट मैं पूछूंगी आपका फ्यूचर प्लान। बड़ा हरामी हो बेटा। सो अभी मेरा फ्यूचर प्लान ये, मुझे कैट देना है नवंबर में, बट आई वांट टू बी अ राइटर बाय हार्ट, मैं एक राइटर हूँ, मैं लिखती हूँ, बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा। सो दैट्स माय ड्रीम एंड ऑल द बेस्ट, हमको पता है आप नॉवेलिस्ट जरूर बनोगे। थैंक यू सो मच। ओके सेकंड क्वेश्चन, ठीक है लास्ट क्वेश्चन, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि अब हम लोग सीनियर हो गए हैं ना, तो थोड़ा बताओगे। ओके सीनियर तुम्हारा मेन काम होगा लोगों को मोटिवेट करना, तुम्हारे जूनियर्स का बेस्ट निकालना, आउट द बेस्ट इन योर जूनियर्स, है ना। तुम जहाँ भी हो, जिस फील्ड में हो, जिस चीज़ में अच्छे हो, अपने जूनियर्स को सिखाओ कि तुम इसमें अच्छे हो सकते हो। यू हैव टू मोटिवेट देम, यू हैव टू एनकरेज देम, दिस इज़ योर बेस्ट एंड बिगेस्ट प्रायोरिटी, एंड आफ्टर दैट तो तुम हो ही यार बेस्ट, तुम लोग तो ऑब्वियसली बेस्ट हो अपने बैच के, पार्टिसिपेट इन मोर एंड मोर कॉम्पिटिशन, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, ऑर्गेनाइज करो, सीखो जितना हो सकता है, सो दैट वुड बी राइट बाय, मतलब अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है ना, या अपने ऊपर वर्क करना है। एग्जैक्टली। ओके थैंक यू सो मच दी, मुझे याद करोगी ना, बहुत ज़्यादा मैं आपको भी बहुत ज़्यादा याद करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।